अगली खबर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से है, जहां आज एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। पेट्रोल पंप पर अचानक आग लग गई। दरअसल हुआ ये कि पेट्रोल पंप पर तेल भराने के लिए एक गाड़ी आई, लेकिन गाड़ी चालक ने तेल पूरा भरा जाता है इसका इंतजार ही नहीं किया और अचानक गाड़ी चलाकर वहां से चला गया, जिसकी वजह से पेट्रोल वेंडिंग मशीन से तेल भरने वाला पाइप बाहर निकल गया और देखते ही देखते पेट्रोल बहने लगा। मशीन जमीन पर गिरने से रगड़ हुई और अचानक आग लग गई। इस घटना के दौरान पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी मामूली रूप से घायल हुआ है, यह बताया जा रहा है। जी इसने हाथ रखा, इसको बंद करो। ठीक है, चलो।